एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री नेट जी आर एफ का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में एक्स को नॉन एम टी सेट दिया हुआ है और एक्स फाइनेट सेट दिया हुआ है और वाई एक सेट डिफाइन किया गया जिसमें एफ इनवर्स जीरो है और एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर रियल वैल्यूड फंक्शन है जो एक्स पे डिफाइन किया गया है ठीक है तो यहां वाई के बारे में ऑप्शन पूछे गए हैं तो पहला ऑप्शन है कि वाई इज इनफाइनिट सेकेंड ऑप्शन है वाई की जो कार्डिनलिटी है टू टू पावर एक्स होगा तो ए ऑप्शन है कि वाई इनफाइनिट है बी ऑप्शन है कि कार्डिनलिटी ऑफ y जो है वो टू की पावर कार्डिनलिटी ऑफ x होगा सी ऑप्शन आपके पास है कि देर एग्जिस्ट बाइजेक्शन बिटवीन एक्स टू वाई वन वन एंड ऑन टू फंक्शन और डी ऑप्शन कह रहा है कि देर एग्जिस्ट जी विच इज एक्स टू वाई वन वन फंक्शन ठीक है तो यहां इन ऑप्शन को डिस्कस करने से पहले आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग समझाना चाहिए तो बहुत सारे स्टूडेंट करते के हैं कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके इसको डिस्कार कर देते हैं एफ एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं एक्स से आर पे देन उसके रिस्पेक्ट में ये वाई बनाते हैं देन डिस्कट करते हैं यहां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में क्या कह रहा है वाई उन फंक्शन में जीरो का प्री इेज का कलेक्शन है जो एक्स से आर पे है तो जितने भी पॉसिबल फंक्शन एक्स से आर पे जीरो, आप डिफाइन कर सकते हैं उन सारे फंक्शंस के रिस्पेक्ट में जो जीरो का प्री इमेज है जो x में आएगा उन सब का कलेक्शन क्या है y है तो मेरे पास यहाँ x जो सेट है वो फाइनेट सेट दिया हुआ है एक्स वन एक्स टू अपू एक्स एन कुछ n एलिमेंट्स होंगे इस सेट को कहाँ मैप करना है R पे किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में जितने भी पॉसिबल फंक्शन है कितने फंक्शन बना सकते हो उस में कितने एलिमेंट है C, अनकाउंटेबल और यहाँ कितने n है तो C टू दी पावर n अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फंक्शंस बना सकते हैं ठीक है इन सारे फंक्शन के रेस्पेक्ट में जो जीरो का प्रीमेज है उनका कलेक्शन जो है वो वाई है तो वाई की कार्टनल्टी क्या होगी ये डिसाइड करना है अब देखिए यहां जीरो है अब हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स को मैं किसी अल्फा पे मैप कर दूं और अल्फा नॉन जीरो हो. तो उस केस में एफ इनवर्स जीरो वो क्या आ जाएगा एक एम्प्टी सेट आ जाएगा प्रीमिज मिलेगा ही नहीं ठीक है दूसरा सिचुएशन एक्स वन को जीरो पे मैप कर दो और बाकी एलिमेंट कहीं भी मैप कर दो ये भी एक फंक्शन है तो एफ इनवर्स जीरो क्या हो सकता है सिंगलेटन एक्स वन भी हो सकता है सेकंड, थर्ड केस एक्स वन एक्स टू दोनों को जीरो पे मैप कर दो बाकी सबको कहीं भी मैप कर दो फर्क नहीं पड़ रहा तो उस केस में एफ इनवर्स जीरो क्या आ जाएगा एक्स वन एंड एक्स टू तो अब मैं क्या कर सकता हूं ए कोई भी सबसेट ऑफ एक्स ले लो सच दैट एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू ए और रिमेनिंग एलिमेंट एफ ऑफ गामा इक्वल टू सम कुछ वन डिफाइन कर दो फॉर ऑल गामा बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट तो उस केस में एफ इनवर्स क्या आ जाएगा ये आ जाएगा ठीक है तो जो एफ इनवर्स जीरो की मतलब है वो प्रीमेज हो सकता है कोई मिले ना तो उस में यहां सिर्फ आ जाएगा तो उसके इसमेंटन एक्स वन आ तो जाएगा एक्स वन एक्स टू दोनों प्रीमेज हो सकते हैं तो केस में एक्स वन एक्स टू आ जाएगा तो इस एफ इनवर्स जीरो का प्रीमेज कोई भी एक्स का सबसेट हो सकता है जो भी आएगा वो हमेशा क्या आएगा एक्स का सबसेट आएगा क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट का प्री इमेज हो सकती है तो यहां बेसिकली जो वाई है वो क्या आ गया पावर सेट ऑफ एक्स आ गया आई थिंक क्लियर होगा ये क्योंकि मैं हर फंक्शन के रेस्पेक्ट में प्री इमेजेस का कलेक्शन देखना है ठीक है तो जो ये मैंने फंक्शन बनाए हैं y में पावर सेट ऑफ x का हर एलिमेंट है और उससे बाहर कुछ नहीं होगा तो कार्डनैलिटी ऑफ y क्या हो गया टू दी पावर कार्डनल्टी ऑफ एक्स हो गया तो जो बी ऑप्शन है वो प्रूफ हो गया और बी प्रूफ हो गया तो ई ऑप्शन हो गया क्योंकि एक्स फाइनेट है तो वाई को क्या होना होगा होना होगा ठीक है और कैंटर थ्योरम क्या कहता है किसी भी ए से उसके पावर सेट ऑफ ए में देयर नेवर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ विच इज ऑन टू तो y जो x से y पे ऑन टू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि y क्या है पावर सेट ऑफ x है तो कैंटर थ्योरम यूज करेंगे तो c और d ऑप्शन दोनों फॉल्स हो जाएंगे क्योंकि ऑन टू फंक्शन नहीं है तो बाइजेक्शन कभी नहीं बना सकते तो आंसर क्या बचा ओनली बी ऑप्शन क्लियर है